रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसूद हसन और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यू विद मसूद हसन के साथ। रूस और यूक्रेन की जो जंग है 11वें दिन में दाखिल हो चुकी है और यूक्रेन में काफ़ी ख़तरनाक सूरत-ए-हाल हो गई है। इसके अलावा बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस उनका वहाँ पर चल रहा था उस पर ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया और इसके लिए बिल भी जल्द अज जल्द बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो मंजूर कर लेगी, पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? भी आपका सरमाया जहाँ से किसी मुल्क से आप चुराते हैं और ले गए जाके वहाँ पर किसी मुल्क में आप फैक्ट्री या कोई भी चीज़ दूसरे किसी बंदे के नाम पर बना लेते हैं। तो बरतानिया ने ये कह दिया कि अगर किसी भी बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी वहाँ पर बरतानिया कानून के मुताबिक, और उसके कहने के तमाम असासाजात भी जब्त कर लिए जाएंगे और जितने भी वो फैक्ट्री बना रही है वहाँ पे वो भी जब्त कर ली जाएंगी। तो ये एक बरतानिया का एक बहुत दिनों से ये मसला चल रहा था लेकिन अब उसने ये फैसला कर लिया। और इसके अलावा बरतानिया ने जो रूसी कंपनियाँ थी उन पे भी पाबंदियाँ लगा दी और जो उनके साथ शराकतदारी किए हुए थे लोग उन पे भी पाबंदियाँ लगा रही हैं। और रूस और यूक्रेन की जंग में बहुत से मसाइल सामने ले रहे हैं जहाँ पर यूक्रेन की आवाम को पानी, खुराक, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयात की मुश्किल का शिकार हो रही हैं। यूक्रेन के अंदर एक इंसानी बहरान पैदा हो रहा है और इसके अलावा यूक्रेन के सदर ने यह कहा है कि रूसी फ़ौज तीसरे एटमी प्लांट पर भी कब्ज़ा करने जा रही है और उसकी तरफ रवा दवा हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये इसको कोई नुकसान पहुंचा तो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरे अगर किसी पर शेलिंग वगैरह होती है या जो भी आग वगैरह अगर लगते हैं नुकसान अगर होता है पावर प्लांट का तो इससे पूरे खत्ते में कह लें कि आप नुकसान हो सकता है। उसके अलावा रूस ने यूक्रेन को ये कहा है अगर उसने अपनी एरिया को अपनी एयर स्पेस बनाने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मजम्मत की जाएगी, क्योंकि यूक्रेन ने ये मुतालबा किया था कि यूरोपीय ममालिक से कि वो यूक्रेन की एयर को एयर स्पेस बना दें। तो जिस पे रूसी सदर का बयान आया अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो जिस ममालिक ने भी अगर अपने फाइटर त्यारे यूक्रेन भेजिए तो रूस उसके मुकाबला अच्छे तरीके से देगा। तो ये उन्होंने बात की। और इसके अलावा रूस में लोग ये बातें कर रहे थे कि रूस में अनकरीब मार्शल ला लग जाएगा, जिसके बारे में सदर पुतिन ने ये कहा कि मार्शल ला नहीं लगेगा और जो रोज़मर्रा की रूटीन का काम है उसी तरह चलता रहेगा। और उसके अलावा रूस के अंदर जो कह लें कि एक बुरान पैदा हो गया, रूस का जो पैसा है वो नीचे आ गया और रूस की जितनी भी आर्मी कंपनियां हैं उन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा रूसी एयरलाइन ने जो सी उस पर भी पाबंदियां लगी चुकी थी काफ़ी ममालक की तरफ से, जिसके बाद रूस ने ये फैसला किया कि ये एयरलाइन उन्होंने बंद कर दी अपनी एयरलाइन, और दूसरे जो सी एयरलाइन है वो भी रूस में जाना उन्होंने भी बंद कर दिया। जो सूरतयाल और वाक़ सारे रूस के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, मगरब में जितने भी कह लेंगे रूस के ख़िलाफ़ लोग थे उन्होंने रूस के खिलाफ एक महाज खोल दिया और इससे यूरोप को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। यूरोप को नुकसान किस तरह होगा? यूरोप को नुकसान इस तरह होगा कि रूस की जो गैस है वो यूरोप में बजरिए पैप जाती है और पेट्रोल की सप्लाई भी जाती है यूरोपीय यूनियंस को, जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं ममालिक को छोटे बड़े ममालिक में जो उनकी वहाँ की सनतें वगैरह वहाँ पे ये काम करती हैं। अगर रूस ने अपनी जो गैस है 40% या जितने भी पेट्रोल की वो सप्लाई करते हैं तो उससे वहाँ पे जो है सूरत-ए-हाल बदल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो सप्लाई होगी उसके रुक जाने की वजह से चीज़ों में महंगी आ जाएगी और उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अमरीका इस सूरत-ए-हाल में किस तरह फ़ायदा उठाएगा? अमरीका इस जंग को रोकने के अंदर नाकाम होता जा रहा है क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि ये जंग जल्द अज जल्द रुके, क्योंकि अगर ये जंग रुक जाती है तो ये मसाइल यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रूस ज़्यादा से ज़्यादा इस जंग में इन्वॉल्व हो यूक्रेन के साथ ताकि वो कमज़ोर हो थोड़ा सा और हम कह लें कि अपनी जो गैस की सप्लाई है या जूसी सप्लाई है वो यूरोपीय यूनियन के इलाकों में भेजें, जिससे कह रहे हैं कि आप वहाँ पर जो ये अमेरिका है जो सब अपनी गैस सप्लाई भेजेगा जिससे वहाँ पे अमेरिका को उससे फ़ायदा होगा और उसके पास पैसा आएगा। तो पाकिस्तान पे भी अमेरिका का फुल दबाव है कि वो इन चीज़ों को रोके और अपना जो सा रूस के ख़िलाफ़ मजम्मत करे कि पाकिस्तान इस मामले में नहीं आना चाहता, और जबकि पाकिस्तान ने अपनी जो स्टूडेंट है वो यूक्रेन से पोलैंड की तरफ रवाना कर दिया और वहाँ पे उनको अच्छी सहूलतें दी जा रही हैं। इसके अलावा इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनसे कैलिंग को वहाँ से पाकिस्तान ने निकाला है। उसके अलावा देखिए जो रूस के सदर थे उन्होंने ये कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन का कोई भी मालिक अगर यूक्रेन की मदद को अगर आता है तो वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये रूस के ख़िलाफ़ हमला है। तो और उसके अलावा रूस ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि यूक्रेन में जो से लोग लड़ रहे हैं वो
दौलत इस्लामिया के लोग हैं जिनको नेटो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटो ने वहाँ से जो करेंगे एक हथियार बना के यूक्रेनी फ़ौज के साथ मिला दिया, जो यूक्रेनी फ़ौज के साथ मिलकर कह लेंगे रूसी फ़ौज का मुकाबला कर रही है। तो इस तरह काफ़ी कह लेंगे सूरत वहाँ पर ख़राब है, और आलमी दुनिया को चाहिए कि इस मसाइल को रोकें ताकि वहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर कह लेंगे बीमारियाँ फैल रही हैं, ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद नहीं मिल रही और बहुत से दूसरे मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो तमाम दुनिया के लोगों को मिलकर ये कह लेंगे इस जंग को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग और बढ़ती है खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई और भी ममालिक इंटरफेयर करता है तो इसके बाद ये एक आलमी जंग बन जाएगी। और ये नज़र तो ये आ रहा है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका और रूस की जंग है। अमेरिका वहाँ से अपने बयान को नहीं रोक रहा, जिसकी वजह से रूस में ज़्यादा तैश आ रही है, उसके अंदर वो हमलों में ज़्यादा इजाफा कर रहा है। तो अमेरिका को बैठ के और अकवामी मुत्तहिदा को बैठ के ये मसाइल हल करनी है, जबकि सदर जो बाइडन ने ये भी कहा है कि अगर रूस ये तमाम चीज़ें जंग रोक देता है तो इसके खिलाफ जितनी भी कह लेंगे वो पाबंदियाँ वो वापस ले ली जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुख्तसर से वीडियो थी एक रूसी के जो 11वें दिन की अपडेट मैंने कहा आपको दें, 11वें दिन की अपडेट में बहुत सी चीज़ें कह लें कि ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। जिसका डर था वही हुआ कि वहाँ पर लोगों में खुराक और पानी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा हलाकतों का शिकार हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जंग आगे ना बढ़े और दुनिया अमन की तरफ रहे। अगर ये जंग ज़्यादा देर बढ़ जाती है तो इसके अंदर ख़तरनाक सूरत इख्तियार हो जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल न्यूज़ व्यू को सब्सक्राइब कीजिए और अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।